अष्टोत्तर सद्मार्ग भक्ति वेदांत श्री भवन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्मार्ग भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के वचन कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गतकल बहुत सुंदर पवित्र दिवस था, इसमें तीनों वैष्णव के जो है तिरुभक्ति थी, है विशेष करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थी। उन लोग के जीवन चरित्र आपको श्रवण करना चाहिए। वैष्णवीर गुणगान करिले जीवेर त्राण, वैष्णव की गुण कथा श्रवण करने सुनने से आप माया से मुक्त हो जाओगे। क्यों? वैष्णव की जीवन चरित्र जो है अपराकृत कहा जाता है, समझ में आ रहे हैं? वैष्णव की जीवन चरित्र कैसे ट्रांसेंडेंटल, इसलिए वैष्णव की जीवन चरित कथा श्रवण करना चाहिए। एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत, दोनों भाग ग्रंथ भागवत में भागवत अध्ययन करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, इसको कहा जाता है ग्रंथ भागवत। और भक्त भागवत वैष्णव की जीवन चरित कथा श्रवण करना चाहिए। है और भागवत भी कैसे अध्ययन करना चाहिए, ना वैष्णव के अनुगत्य में है, गुरु वैष्णव के अनुगत्य नहीं रहे जो स्वतंत्र रूप में घूमते हैं, उनको संग करना नहीं चाहिए। है ऐसे शास्त्र में लिखा है, क्योंकि जहाँ पर स्वतंत्रमय जीवन आ जाता है वो भक्ति नहीं होती उसमें, समझ में आ रहे? जो लोग इंडिपेंडेंसी हो करके है कुछ करते हैं वो भक्ति नहीं होते, इसलिए गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ही भजन करना चाहिए। क्योंकि वैष्णव धर्म के वैष्णव धर्म किसको कहा जाता है, वैष्णव धर्म कहा जाता है अनुगत्यमयी धर्म कहा जाता है। क्या बताया? अनुगत्यमयी धर्म, अनुगत होकर के वैष्णव के अनुगत होकर के हमें भजन करना पड़ेगा। जब तक वैष्णव अनुगत्य गुरु अनुगत्य नहीं है, भक्ति नहीं हो रही। इसलिए शास्त्र में लिखा है गुरुवानुगत्य लिखा है। क्या लिखा है? गुरुवानुगत्य, गुरुवानुगत्य, गुरु के अनुगत्य में भक्ति होती है। जब तक गुरु के अनुगत्य नहीं तब तक नहीं, इसलिए कहते हैं ना जेदे से निताई नाई सीधे से ना जावो, निताईर विमुख जने कहू ना हेरिव। क्या बोला? जे देशे निताई नहीं से दे, गुरुदेव जहाँ पर जाते नहीं उस स्थान पर जाकर के हमारे फायदा क्या होगा, अपराध हो जाए, गुरु निंदा सुनना पड़ेगा। है इसे कहते हैं जे देशे निताई नहीं से देशे ना जाबो, है और निताई विमुख जने कबू ना हेरियो। है जो नित्यानंद गुरु के अनादर करते हैं, गुरुदेव का अनादर करते हैं, उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए, वो अपराध हो जाता है, भक्ति नहीं होती है। आज जैसे हम अभी जा रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन चरित्र देखो कैसे है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी, कौन से मंजरी? कस्तूरी मंजरी है, जिन्होंने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ रचना की है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने घर को छोड़ दिया, अंडरस्टैंड, सब सुनाई पड़े कि नहीं, कैसे कृष्णदास गोस्वामी घर को छोड़ा है और घर छोड़ करके उन्होंने वृंदावन में जाकर के
मदन मोहन की कृपा प्राप्त की और मदन मोहन की कृपा से उन्होंने ऐसे सुंदर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रचना की जिसमें कृष्णदास कविराज भी स्वयं कर रहे हैं, हाथे धोरी मदन मोहन लिखाए आपने, स्वयं कृष्ण मदन मोहन मेरा हाथ पकड़ करके ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ मुझे लिखवाया, मैंने ही लिखा। वृद्ध जरातुर, मैं तो वृद्ध काल हो गया है, मेरा हाथ कंपता है दयनगर के कार्य, मैं लिख नहीं पाता, किंतु देखो हाथे धोरी मदन मोहन, संग मदन मोहन मेरा हाथ को पकड़ करके और लिखा है, है? आज कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब घर में थे उनकी लीला कथा वर्णन होते जा रहे हैं, है? उनकी घर में एक जो है पुजारी था, उसके नाम क्या है, गुणार्णव मिश्र, क्या बताए, गुणार्णव मिश्र है, ब्राह्मण था वो, पूजा करता था ठाकुर जी का। तो उस समय कृष्णदास कविराज कहीं बाहर गए थे किसी काम के लिए और उस समय महा चैतन्य क्या बोले नित्यानंद प्रभु की अत्यंत जो प्रिय पात्र है उसके नाम था मिनिकेतन रामदास है, क्या बताया है, याद रखना पड़ेगा है, मिनिकेतन रामदास एंड अभिराम कपूर इट्स द सेम पर्सन हो, मिनिकेतन रामदास का, उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में आए तो ये मिनिकेतन रामदास ये सदा सर्वदा नित्यानंद प्रभु की यहीं कीर्तन करते थे, नित्यानंद के नित्यानंद नाम लेकर के उद्दंड होकर नित्य करते थे, हर हाथ में एक बंसी रखता था है कीर्तन का। तो मिनिकेतन रामदास जब उनके घर में उनके कृष्णदास प्रभु के घर में आए हैं उस समय उनके जी पुजारी जो है क्या नाम बताए, गुणार्णव मिश्र, वो ठाकुर सेवा कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और उनके बैठने तक आसन भी नहीं दिया ना कुछ सम्मान किया है। देखो तब उस समय मिनिकेतन रामदास क्रुद्ध हो गया, बोले देखो कैसे है? दूसरी जो है रोम हर्षण आ गया है, जैसे बलदेव प्रभु कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले तीर्थ यात्रा के लिए फिर चल पड़े और चलते चलते जब इनके पास आ गए जहां पर पुराण के प्रवक्ता जो है ये रोम हर्षण था है? क्या नाम बताया, रोमहर्षण, बोले ऐसे पुराण की कथा ऐसे सुंदर बोलते थे उनकी कथा सब लोग आकृष्ट हो जाते है? पुराण के प्रवक्ता थे वो, कौन, रोमहर्षण, इनके लोम कुप जो है खड़े हो जाते, इसलिए नाम ही उनके था रोमहर्षण है। सभी श्रोता लोग इतने आनंद होते थे कथा सुनकर, सबको रिझाते थे, किंतु जब बलदेव प्रभु जब उस स्थान पर आए वो बलदेव प्रभु के सम्मान नहीं किया, बलदेव प्रभु गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर के एक कोष उठाया कुशग्राज और कुशग्राज उठा करके उनको गला को काट दिया, बोले मूर्ख है
तुम क्या कथा बचोगे? जहां पर गुरु वैष्णव के सम्मान नहीं हो रहे और तुम कथा कथा ही बाज रहे, तो बलदेव प्रभु ने उनको मर दिया। तब श्रोता लोग हाहाकार करने लगे, हमके कौन कथा सुनाएंगे। तब उस समय एरोम हुरसन के छोटा बच्चा जो है सुतो है सुतो को सुन है, और उनको उठाया। बलदेव प्रभु ने क्या कि उनके सिर पर हाथ रख दिया, जाओ तुम भाग के कथा में बैठ। उसके कोई छोटा बच्चा था वो है, बलदेव प्रभु उनके सिर पर हाथ रख दिया और रख करके ऊंचे आसमान में बैठा दी। ये बलदेव प्रभु की कृपा से मुख से कहा जाता है ना, वो बोलना शुरू कर दिया है। इसलिए कहा जाता है गुरु कृपा बलदेव प्रभु की कृपा हो तो क्या होता है, मोकुंग करोति बाचलंग पंगु लंगति ग्रीम जत कृपा तुम वंदे श्री गुरु दिनोतानी वंदे परमानंद। गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व है कि नहीं? बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व है। बलदेव प्रभु के कृपा से देखो वही सुत गोस्वामी है, भागवत के प्रवक्ता बन गए, प्रवक्ता समझते है, स्पीकर बन गए। और ऐसे इसलिए गुरु कृपा है, ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यं और मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरु जी की कृपा किसी के ऊपर हो जाए, बलदेव प्रभु की कृपा हो जाए, वो अपने आप बोलना शुरू कर देते हैं। किंतु गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, अथवा गुरु किसी के ऊपर अहित की कृपा कर देते। बलदेव प्रभु देखो उसको क्या कर दे, कृपा कर दे। इसलिए उनके कहा जाता रोम हर्षनी भी कहा जाए, रोम हर्षन, रोम हर्षन के पुत्र होने के नाते रोम हर्षनी कहा जाए, रोम हर्षन भागवत के प्रवक्ता बन गया वो। ठीक उसी प्रकार जो है, मिन केतन रामदास है, उनके घर में आए, किसके घर में, कृष्णदास कविराज के घर में आए, और पुजारी क्या नाम होता है, गुणानो मिश्र, ब्राह्मण थे, कनिष्ठ अधिकारी, वो सेवा में ले गए। अरे गुरु वैष्णव आए हैं, उनके लिए आसन देना चाहिए है, उसे कोई आदर सम्मान नहीं किया है, इसलिए उन्होंने की गुस्सा हो गया। और गुस्सा होकर के बंशी को वहीं पर तोड़ दिया, बोले तो दूसरी है रोम हर्षन, रोम हर्षन है जिस रोम हर्षन के बलदेव प्रभु मर दिया था, और फिर दोबारा कहां से प्रकट हो गया है। इसलिए मिंड केतन रामदास उस स्थान को छोड़कर के चले गए, और उसी स्थान पर कृष्णदास कविराज के भाई थे, उन्होंने कुछ नहीं प्रतिवाद तक नहीं किया, कुछ नहीं बोला है। इसके पश्चात जो है, जब कृष्णदास कविराज को समय जब लौट करके आए घर है, इस कथा को सुना, सुनकर के उनके मन में बहुत दुख हुआ है। ये मेरे भाई, इनको सम्मान नहीं किया है, मिन केतन रामदास को सम्मान नहीं किया, बहुत दुखित हो। क्यों? उनकी भाई जो है महाप्रभु के मानते थे, किंतु नित्यानंद के नहीं मानते थे है। इसे कहता है जो एक के माने दूसरे के नहीं मानते, उसे क्या कहा जाता है, अर्ध कुकुटी विचार कहा जाता है। अर्ध कुकुटी जानते हो, कुकुटी किसको कहा जाता है, कुकुटी किसको कहा जाता है बताओ, मुर्गा मुर्गी है, पीछे के तरफ से अंडा देती है और सामने के तरफ क्या करते है, खाता है। तो एक पिताजी के जो है
सारे संपत्ति था, उनके सारे संपत्ति दो भाई ने बांट लिया, अंतम में एक मुर्गी आ गई, मुर्गा ना क्या बोलते हैं, मुर्गी आ गया है। तो उसको बोले, दोनों भाई बोले हम इसको भाग कर लेते, एक ही तो है इसको भाग कैसे करेंगे है। सब दोनों भाई बोले हम आधा आधा ले लेंगे, अरे मुर्गा को आधा करो तो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए कहने लगे देखो इस मुर्गा के जो है सामने के भाग एक लो और एक पीछे के भाग एक लो, सामने के भाग जो लेगा उसको खिलाना पड़ेगा और पीछे के भाग जो लेगा वो उसे क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा, पीछे से तो अंडा देती है। हम अंडा लेंगे और खिलाएंगे नहीं है। तात्पर्य क्या है, एक के हम मानेंगे दूसरे के नहीं मानेंगे, अपराध हो जाता है। नित्यानंद के मानने एक क्या बोले महापुरुष के मानने वाले हैं किंतु नित्यानंद प्रभु के मानते नहीं है बहुत, क्योंकि सचिदानंद गौर हरि सारे नियम को पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म के ठीक ठीक से पालन करते हैं है। इसलिए गौर सुंदर के सब मानते हैं और नित्यानंद प्रभु के क्या कहा जाता है, अवधूत है, नियम वो ठीक नहीं करते है। इसलिए कुछ लोग नित्यानंद के जो है अनादर करते हैं, क्या करते हैं अनादर, समझते हो, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते है। नित्यानंद के अनादर जो करते हैं गौर सुंदर उनके प्रति भी प्रसन्न नहीं होते है। हाँ समझे, और जो गौर सुंदर के आदर करते हैं नित्यानंद, गौर सुंदर के अनादर करते हैं नित्यानंद का आदर करते हैं वो भी है अपराधी माना जाता है, क्योंकि गौर सुंदर नित्यानंद एक ही तत्त्वता है। गौर सुंदर और नित्यानंद है, तथापि गौर सुंदर अपेक्षा नित्यानंद के प्रति हमें अधिक आदर होना चाहिए, दोनों के समान होने पर भी नित्यानंद के प्रभु प्रति क्या होनी चाहिए, अधिक आदर होना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद के कृपा से ही हम गौर सुंदर की कृपा प्राप्त करेंगे। कहते हैं निताइये करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धर निताई चरण दुखान। नित्यानंद प्रभु अभिन्न बलदेव प्रभु है, बलदेव प्रभु से नित्यानंद भेद नहीं, एक ही करता है, और गौर सुंदर अभिन्न कृष्ण, और कृष्ण और बलदेव प्रभु एक ही तत्व है, वही कृष्ण ही एक स्वरूप में बलदेव के रूप में प्रकट हुए। इसलिए कृष्ण और बलदेव प्रभु में भेद नहीं है, इधर नित्यानंद प्रभु और गौर सुंदर में कोई भेद नहीं है। जो भेद बुद्धि करता है वो अपराधी माना जाता है। नित्यानंद साक्षात ईश्वर तत्व भी है, क्या तत्व है, ईश्वर तत्व, भगवत भगवत तत्व। इसलिए नित्यानंद बलदेव प्रभु ने रास किया, किया कि नहीं, बलदेव प्रभु रास रचा है। रास कौन कर सकते हैं, एकमात्र कृष्ण कर सकते हैं, कृष्ण के और कोई अवतार भी नहीं कर सकते है। या तो राम भी रास नहीं करेंगे है, आज नहीं, कोई देव देवी के संभव नहीं है रास करना, एकमात्र कृष्ण भगवान। और वही कृष्ण जो है एक स्वरूप में बलदेव प्रभु है, जिसके कहा जाता है वैभव प्रकाश कहा जाता है, है? देखो इसलिए बलदेव प्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, जो बलदेव प्रभु से कृष्ण के भेद करते हुए अपराधी हो जाते हैं, उसी प्रकार गौर सुंदर और नित्यानंद में भेद जो करते हुए अपराधी माना जाता है, है क्या? इसलिए गौर सुंदर की जैसे हमारे आदर होगा उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी आदर होनी चाहिए। किंतु देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई जो है वो गौर सुंदर के आदर करते थे और नित्यानंद के आदर नहीं करते थे। इसलिए मिन केतन रामदास नित्यानंद में इतने अभिष्ट थे,
और देखो उन्होंने आदर नहीं किया। यहाँ तो इतना तक भी नहीं बोला यारी उनके सम्मान देना चाहिए बैठने का, वो भी नहीं दिया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी विचार करने लगे जहाँ पर गुरु का आदर नहीं होता है, है? भक्ति हमारी तब होता है जब हम गुरु के आदर करते हैं। जब हम गुरु के आदर नहीं करेंगे भक्ति देवी नहीं आएगी। जो गुरु के अनादर करते हैं उससे दूर रहना चाहिए, है? क्या बोला? जो गुरु के जो अनादर करते हैं उससे भी दूर रहो, है? नहीं सब जगह घूमते रहो, है? हाँ जैसे सती नारी पति के ही तो आदर करते कि नहीं करते, है? और जो सब पति के सब पुरुष के जो सम्मान करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, है? असती कहा जाता है। एक सती नारी होता है और एक असती नारी होता है कि नहीं, है? इसलिए हमारे आदर कृष्ण होनी चाहिए, गुरुपाद पद में निष्ठा हो जाए, है? इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने देखा, है? मेरे भाई मिन के तन रामदास उनकी आदर नहीं किया, है? और ना उनके लिए कुछ बोला। अरे कम से कम कुछ बोलने तो उसको तो क्या बोले, प्रोटेस्ट करना चाहिए हम, है? और वो जो मिश्र क्या नाम था, गुणानुभ मिश्र जी, वो ब्राह्मण है, नित्यानंद का आदर्श एक क्या बोले मिन कहते हैं रामदास को आदर नहीं, है? इसलिए कृष्णदास कविराज के जिस गृह में गुरुदेव की सम्मान नहीं होता है, है? ऐसे स्थान पर रह करके क्या नित्यानंद प्रभु जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया कि घर छोड़ दिया, है? वृंदावन की तरफ जाता हूं, है? आज इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, मोर नाम जई सुने तार पाप होय, मोर नाम जई लय तार मोर नाम जई सुने तार पाप होय, मोर नाम जई लय तार पुण्य क्षय, जगाई माधाई होते मुई से पापिष्ट, पुरुषेर कीड होते मुई से लगिष्ट, एमन निर्घिन्न मरे किबा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत माझारे। कितना सुंदर कर कृष्णदास कविराज दैनगर के कार है, है? मोर नाम जई लय तार पुण्य क्षय, मोर नाम जई सुने तार पाप है, मेरा नाम जो लेता है उसको पुण्य खा लेता है, मेरा नाम जो सुनता है उसका पाप हो जाता है, ऐसी कहा है। ये दैना है उनका, वैष्णव के दैना हम समझ नहीं पाते है, किंतु वैष्णव होना पड़ेगा ना, कोई वैष्णव भी नहीं हुआ उसके आगे दैना करते हैं ना वो बेकार होता है, है? आ समझे, उसके वैष्णव बने तब तक दैना तो अपने आप हो जाए, तिनादपि सुनिच तरुर्व सहिष्णुना अमानिनो मानदेन कीर्तनीय सदा, है? नाम कैसे करना चाहिए, दीनहीन हो गया, दन्न दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारि गुणे गुणी होइया कर श्री कृष्ण कीर्तन, चारि गुणे गुणी हो गया, चार गुण में गुणी गुण होने चाहिए ना, पहले गुण हुआ ही नहीं उसके पहले दैन कर रहे हैं, वो दैन दैन ठीक नहीं है, समझ में आ रहे? उनके दैन कैसे है, सर्प दैन कहा जाता है, सर्प दैन समझते हो, क्या बोलता है, स्नेक ह्यूमिलिटी, स्नेक भी जब चलता है ना तो सिर को नीचा करके ऐसे चलता है, आज नहीं सिर के नीचा करके ऐसे चलता रहता है, और उसके पूछ में थोड़ा पैर लगा हाथ लगा दो ऐसे खड़े हो जाए, है? डसेगी कि नहीं डसेगी, तात्पर्य क्या है, वैष्णव तो हुआ ही नहीं, भक्ति हुआ ही नहीं, और उसके पहले जो दैना आदि करते हैं दूसरे के दिखाने के लिए, केवल लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए, और कुछ नहीं है वो, है? और थोड़ी सी उसको
एक टच कर दो, देखो दैना कहाँ चला जाएगा। दैना रहता है, दैना नहीं रहता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे है, बोले ये सब वास्तवता नहीं है, पहले गुण को अर्जन करो। तनादपि सुनीज तरो रिवर्ष सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन गुण के कर है वास्तव। इसलिए भक्ति के जो करते हैं उसके ठीक है, वो सब आरोप सिद्धा में चला जाता है। कौन सा भक्ति कहा जाता है? आरोप सिद्धा भक्ति होता है, है? किंतु वो आरोप सिद्धा भक्ति को देख करके मत समझो जो उसकी भक्ति होगी। भक्ति होने से तिनाद भी सुनिज हो जाता अपने आप। जैसे पेड़ में फल लगने से पेड़ के सारे डालियां क्या हो जाते हैं? अपने आप नीचे झुक जाता है, है? पता है इसे कहते हैं फलवंत वृक्षार गुणवंत जन नम्रता स्वभावतार है अनुखन। फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, पेड़ में फल लग जाए देखो सारे डाल क्या होगा, नीचे की तरफ अपने आप झुक जाए, है? उसी वजह किसी के गुणवंत जन जिसकी गुण हो जाए, सदगुण आ जाए, है? वो अपने आप दीनहीन हो जाएंगे। गुण ही आया ही नहीं उसके पास, वो दीनहीन करते हुए शुद्धता नहीं है उसको, हो सकते हो छल कपट। छल कपट समझते हो? दूसरे की दिखाने के लिए हमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाए, है? इसलिए समझना चाहिए, है? इसलिए कहता है फलवंत वृक्षार गुणवंत जन नम्रता स्वभावतार है अनुखन, है? इसलिए देखो कृष्णदास कविराज जो बोल रहे हैं, है? ये दैनक इसके कहा है यथार्थ दैनक कहा जाता है, जिस किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो वो दैन अपने आप आ जाता है, है? जैसे नंद महाराज कह रहे मेरे हृदय में कृष्ण, हमारे बालक कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम नहीं है। प्रेम है तो देखो किस में है, दशरथ महाराज के हृदय में प्रेम है। रामचंद्र वन में जाने के बाद दशरथ महाराज हराम हराम करके शरीर छोड़ दिया, और मेरे बेटा कृष्ण मुझे छोड़ करके मथुरा चले गए, मैं अभी तक जीवित हूं, मैं प्राण नहीं छोड़ा। शास्त्र में कहा जाता है ये प्रेम किसी के उत्पन्न हो जाए ये शरीर धारण नहीं कर सकते, है? प्रेम उत्पन्न होने पर ये शरीर धारण नहीं कर पाए। इसलिए कह रहे नंद महाराज कह रहे यदि प्रेम हो तो किसको प्रेम देखो, किसके हृदय में प्रेम? दशरथ महाराज। रामचंद्र चले गए और दशरथ महाराज प्राण छोड़ गए, और मेरे बेटा मुझे छोड़ करके चले गए, मैं अभी तक जीवित हूं, तो हमारे हृदय में प्रेम कहाँ है? यदि आप निरपेक्ष में विचार करें, आप किसके हृदय में प्रेम अधिक है, दशरथ महाराज के हृदय में प्रेम है कि नंद महाराज के हृदय में प्रेम अधिक है, बताओ? है नंद महाराज तो जीवित है, तो नंद महाराज के प्रेम अधिक कैसे माना जाएगा? पहले कहना प्रेम जिसको हो जाता है वो जीवित नहीं रहेंगे, शरीर छोड़ देंगे, है? आज रामचंद्र तो वही पूछा हनुमान जी को, हनुमान जी भी अब लौट करके आए, है? आज लंका से सीता जी के खोज लेकर के आया, समझ में नहीं? सीता जी के समाचार लेकर के आया, रामचंद्र ने पूछा, है? रामचंद्र ने पूछा हनुमान तू मेरे जो पत्नी सीतादेव के दर्शन किया, कैसे दर्शन किया, उनके जीवित रूप में दर्शन किया कि मृत शरीर के दर्शन किया, ये बात बताओ, है? सुना कि नहीं? क्या बोले? जीवित है वो, तुम जो सीतादेव के देखा ठीक है, कैसे दर्शन किया, वो जीवित है कि वो शरीर छोड़ दिया? हनुमान जी कहने लगे प्रभु ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? रामचंद्र कह रहे हैं देखो मैं अयोध्या छोड़ने के बाद मेरे विच्छेद से सेपरेशन से मेरे पिताजी शरीर छोड़ दिया,
हराम हराम करके है। और मेरे पत्नी सीता देवी मेरे विच्छेद से सेपरेशन से वो कैसे जीवित रहेगी है? तुम बताओ, तुम किसको देखा है? ये तुम बताओ है। हनुमान जी कितने सुंदर उत्तर दिया रामायण में, इसके बहुत मर्मग्राही मर्मज्ञ एक श्लोक ये है प्यार है। जैसे हमारे तुलसीदास जी लिख रहे हैं, क्या लिखा? नाम पहा पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट निज पद लोचन जंती तो प्राण कहीं जाऊं बाट है। समझ में आ रहे? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट निज पद लोचन जंत्री तो प्राण कहीं जाऊं बाट। कितना सुंदर बता रहे हनुमान जी बता रहे। बोले देखो सीता जी भी क्या करती है, है? वो तो प्राण छोड़ना चाहती है हर क्षण क्षण में है। पति से विच्छेद होने के नाते सेपरेशन होने के नाते सीता देवी तो प्राण छोड़ना चाहती है किंतु प्राण छोड़ नहीं पा रही। किस लिए? कहते नाम अपहारु। बोले आपके दो अक्षर युक्त जो नाम जो है सीता देवी सदा सर्वदा ले रही है। काल करी नहीं बोले पति जी के नाम जो कृष्ण है हम कैसे लेंगे? थोड़ा उनके रामायण के पढ़ाओ सुनाओ है। सीता देवी क्या जप कर? नाम अपहारु दिवस निशी। सीता देवी भी क्या नाम जप कर रही है? राम। कौन से? कहाँ गई वो? आज नहीं आई नहीं है उनके पति। बोले इसको आप सब लोग याद रखना, क्या बोले? नाम अपहारु दिवस निशी है। सीता देवी किसके नाम जप कर रही है? हाँ, राम नाम लेना नहीं चाहिए ना, उनके पति जी के नाम कैसे ले लेंगे है? लोग कहते हैं ना पति जी के नाम लेना नहीं चाहिए, बात तो सही है, है? अरे भगवान के, तुम्हारे पति देव भगवान नहीं है, है? इसलिए पति जी के नाम लेना नहीं चाहिए, ठीक है? है बात सही है कि नहीं है? तुम्हारे पतिदेव भगवान नहीं है इसलिए पतिदेव के नाम लेना नहीं चाहिए है। किसका नाम लो? भगवान के नाम लो। रामचंद्र भगवान है कि नहीं है? है? तुम्हारे पतिदेव पहले हुआ कि भगवान? भगवान पहली था और अभी है, आप बताओ। वो आई नहीं इधर, उनका बोल रहे थे अच्छी तरह से आप लोग सुनो है? अरे तुम्हारे पतिदेव के नाम तो उसके पिताजी ने नाम रख, उसके पिताजी ने नाम रख दिया था। उसके पहले भगवान राम उनके कृष्ण नाम थे कि नहीं थे है? और भी पति भी एक दिन भी शरीर छोड़ देंगे कि नहीं देंगे है? जब पति शरीर छोड़ देंगे तब नाम लोगे क्या? जो नाम पति के नाम यदि कृष्ण, उसे तुम्हारे पति के नाम कृष्ण नहीं है, कृष्णदास ये समझो है। बोले तुम कृष्ण नहीं हो, यदि पति के नाम क्या नाम बताए? क्या नाम है? रमाकांत, राधाकांत, जो भी नाम है उसमें दास लिखा जाता है, भगवान के दास है, है? पति के नाम इसलिए कर रहे तुम्हारे पति। सीता देवी क्या क्या नाम जप कर रहे? यहां पर नाम अपहारु दिवस निशी कह रहे हैं। तुलसीदास संग लिख रहे नहीं लिख रहे है? हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु नाम पहर, आपके नाम रूपी ये दो अक्षर जो है वो सरासर पर ले रही है। और वो दोनों क्या है? नाम पहर वो क्या है? पहलेदार माने सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड समझते हो? सुनो है, आपकी जो नाम दो अक्षर जो युक्त तो नाम जो है क्या नाम है? र और म, राम। ये नाम दोनों नाम दो अक्षर युक्त तो क्या क्या उसके तुलना दे रहे हैं? दोनों पहलेदार सिक्योरिटी गार्ड है। जो नाम लेते हैं ना प्राण कहां से निकलेगा है? नाम अपहारु दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, और आपकी ध्यान सदा सर्वेदी लगे हुए हैं और उसमें कपाट लग गया
ट्रेन आने के पहले वो लगा देते हैं ना, क्या बोले, गेट लगा देते हैं, है? हाँ सर, ठीक उसी प्रकार जो ध्यान आपकी ध्यान छोड़कर किसी का ध्यान नहीं कर रही है, एक तो आपके नाम जप कर रही है, नाम उपहार हो दिवस निशी ध्यान तुम्हारे कपाट, और निज पद लोचन, और कहते हैं उनकी आंख जो कुछ भी है आपकी चरण में मन लगे हुए हैं, और ये क्या है मैंने तला लगा दी, निज पद जंत्रित, जंत्रित मैंने तला लगा दी है, प्राण कहीं जो बाट, प्राण बाट माने रास्ता, प्राण जाने के रास्ता ही है। हनुमान जी कितने सुंदर बताए, नाम अपहारु दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट। हनुमान जी कह रहे प्रभु जी, हे प्रभु दीन दयाल है, सीता देवी तो प्राण छोड़ने के तैयार है, किंतु प्राण कहां से निकले है। आज ये सुंदर ही कथा, ये पैर को याद कर लो सब, क्या बोला, नाम अपहारु दिवस निशी, बोलो नाम अपहारु दिवस निशी, हाँ हो गया ठीक, ध्यान तुम्हारा कपाट, ध्यान तुम्हारा पागल होता नहीं, सुनता नहीं ये, सुधु बोलता रहता है, मैं देखता नहीं ये सुनता नहीं है, बोलना शुरू कर दे, नाम अपहारु दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट। कितना सुंदर प्यार है कि नहीं, भगवान के नाम जो करते हैं ना, नाम प्रभु उसके रक्षा करते हैं, नाम ही तो संग भगवान है, अभिन्नत्वात् नाम नामिन, तुम्हारे पति के नाम यदि राम हो वो भगवान नहीं है, वो आपको रक्षा भी कर नहीं पाएंगे, पाएंगे वो तो स्वयं ही एक दिन शरीर छोड़कर चले जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी एक दिन शरीर छोड़कर चले जाओगे है, किंतु भगवान शरीर को भी नहीं छोड़ते। जो कहते हैं भाई तुम्हारे पति के नाम तो राम है कृष्ण है, है? पिताजी के नाम कृष्ण है, कृष्ण नहीं है पिताजी का नाम, कृष्ण दास है वो, कृष्ण दास कृष्ण नहीं है वो, कृष्ण तो भगवान हो जाते हैं। जो कहते हैं भाई तुम्हारे पिताजी के नाम कृष्ण है, कृष्ण दास है वो, कृष्ण नहीं है, यदि ये कृष्ण होते होते हैं कभी शरीर नहीं छोड़ते, उसके नाम है कृष्ण दास है, सब मायावाद यहाँ पर भरा हुआ है सब, बोले उनके नाम कृष्ण नहीं, उनके नाम है क्या कृष्णदास, समझ में आ रही है। अरे हस्बैंड का नाम नहीं नाम ले रहे, भगवान के नाम ले रहे हैं, कह रही थी कि मैं भगवान का नाम ले रहे, हाँ भगवान के नाम ले रहे हो ना, पति के नाम कहाँ ले रहे हो, तुम्हारे पति के नाम है, नहीं नाम करो माला करो है, आज समझ गए, हाँ काफी दिन से करो, हर समय करते रहो, और सीता जी भी करे कि नहीं आप बताओ है, इसमें लिखा नाम पहारू दिवस निशी, नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाल है, जो नाम करते भगवत नाम, पति के नाम राम नहीं है, पति के नाम क्या है रामदास कृष्णदास, वहीं पर लिखा है, है? आपके टाइटल क्या है पांडे राम क्या कृष्णकांत पांडे लिखा है, वो कृष्ण के नाम होता है क्या, कृष्ण के नाम पांडे होता है क्या ना मिश्रा होता है, है? कृष्णकांत पांडे आप मत बोलो कोई बात नहीं है, हम तो इतना, अरे भगवान के नाम के कृष्णकांत, हाँ अपने पति के सोच रहे हैं जी ये भगवान है, हाँ
इसलिए कह रहे हैं नाम लेते ही भवसिंधु सुखाई है, जिसके नाम लेने से भव समुद्र क्या हो सुख जाए। तब पति के नाम, पति के नाम तो रामदास, कृष्णदास, गोविंद दास, रामदास पंडित है, आ समझिए भगवान के नाम होते पांडे होता है कि ना मिश्रा होता है, हाँ बताओ। इसलिए भगवान के नाम लेना चाहिए, आ जाओ अच्छी तरह से सुनो है। इसलिए कह रहे हैं दैन्य होनी चाहिए। दैन्य कब होता है? जब प्रेम उत्पन्न होता है। हम इसलिए दशरथ महाराज जो प्रेम दिखा रहे हैं है, किंतु दशरथ महाराज के प्रेम से नंद महाराज के प्रेम अधिक बताते हैं। क्यों? दशरथ महाराज ये नहीं विचार किया 14 साल के बाद जब राम लौट करके आएंगे, भगवान रामचंद्र जब लौट करके आएंगे तब पिताजी शरीर छोड़ के चले गए, रामचंद्र के दुख होगा कि नहीं दुख होगा? किसके पिता शरीर छोड़ दे उसे दुख होता है कि नहीं होता है? दुख होता, किंतु दशरथ महाराज चिंता नहीं किया, शरीर छोड़ दे। और नंद महाराज किसने प्राण शरीर धारण करके रखा है? ये कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के समय ये बात बताया, ये मैं लौट करके आऊंगा है। इसलिए कृष्ण लौट कर जब आएंगे, यदि देखे जो उनके पिताजी घर में नहीं है तब उनके दुख होगा। ऐसे विचार करके नंद महाराज अपने प्राण को जो है हृदय में धारण करके रखे, उसी का जब प्रेम कहा जाता है। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम अपने सुख नहीं देखते हैं, शुद्ध जो प्रेम जो है अपने सुख नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? अपने प्रियजन के सुख कैसे हो है? समझ में आते हैं? जैसे सती नारी किसके सुख देखते हैं? अपना सुख देखते हैं कि पति के सुख देखते हैं? किसके बताओ? पति देव के। पति देव कैसे ठीक रहे, उनके खिलाना पिलाना उनके लिए सब सुख देखते हैं। हाँ समझ, विवाह करके पति सेवा नहीं किया तो विवाह करने के फल क्या हुआ? विवाह कर क्यों विवाह किया बताओ? है हम तो ही कहते हैं बात सही है कि नहीं? पति देव को सेवा करना चाहिए कि नहीं है? पति ही परम देव, पति देव की कहा जाता परम देवता भी माना जाता है, शास्त्र में लिखा है। पति देव के कैसे सेवा करना चाहिए? भागवत स्वरूप भागवत ज्ञान करके भी सेवा करना चाहिए। भगवान नहीं है, भगवान के भांति आदर सम्मान होनी चाहिए। तथा शादी किसने किया आप बताओ? शादी करना नहीं चाहिए, हम तो कहते शादी मत करो। और शादी किया है तो उनकी पतिदेव के सम्मान करो, आदर करो। हाँ शास्त्र में कहा गया जो पति गुरु वैष्णव की निंदा करता है उससे दूर रहो है। शास्त्र में इसलिए यही कहा गया, इतना तक दिया, जो पति गुरु वैष्णव की निंदा करता है उस पति को क्या करना, उस पति को त्याग देना चाहिए, ऐसी भी तो लिखा है शास्त्र में है। इतना ही तभी त्याग देने के पहले उसे समझाओ है। मंदोदरी रावण के इतने समझाए, इतने समझाए, मंदोदरी सुना कि नहीं सुनना है? रावण की पत्नी मंदोदरी जब जब होता है मंदोदरी रावण की समझाती है, पति के समझाओ और अंत में नहीं समझे तो अपने मर जाए हो उसे क्या करे, उसके राम आकर के उसको मार दिया कि नहीं है? रावण के किसने मारा? राम मारा कि नहीं मारा? किंतु मंत्री बहुत बार उनके समझाया है। किंतु रावण ने एक सुंदर उत्तर भी दे दिया। रावण ने कहा मैं विश्वास नहीं करते ये राम है, भगवान है, है? आज मैंने यदि ये राम हो भगवान हो ठीक है, मेरे सिर तब झुक जाएगा जाएगा जब मेरे गला काट देंगे तब तो मैं मानूंगा ये
भगवान है, है? ये तो दूसरी लीला है केवल। हाँ समझ में है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में पति को त्याग देना नहीं चाहिए। केवल पति के त्याग देने के एक ही उपाय शास्त्र में बताया, यदि पति गुरु वैष्णव के निंदा करने वाले हो है। अरे यहां तक भी नाग पत्नियां भी जो है भागवत में है कि नहीं, आज बताएंगे सब है। कल्याण नाग की कथा जो है, भगवान के निकट यही प्रार्थना कर रहे हैं, अस्सानु देव अस्व देव विद में तबांग रेणु प्रसादीकार सलना चरुत्तप विवाह कामन धुति धृति सुचिव्रता है। ये श्लोक याद करना चाहिए, कस्सानु देव अस्व विद में तबांग रेणु प्रसादीकार। कालिया नाग के पत्नियां कर रहे, नाग पत्नी की स्तुति आ रहे भागवत में है। जब स्वयं भगवान कृष्ण कालिया के हजारों फन पर जब नृत्य करने लगे है, और उनके मुंह से जब खून निकालने लगे मरने वाले है, तब कालिया मनी मन विचार करने लगे है, मैं तो कृष्ण के भगवान नहीं मानता था है, किंतु कभी कभी हमारी जो पत्नियां जो है ये कृष्ण के बारे में बोलते थे ये कृष्ण भगवान है, कि मैं विश्वास नहीं करता था है। नाग पत्नी जो कभी कभी अपने पत्नी के निकट अपने पति के निकट कृष्ण की कथा सुनाते थे, किंतु सुना नहीं था चाहते थे, जब दीदी सुना देते थे है, सुनाना पड़ता है कि नहीं है, पति नहीं सुने उसके सुना वो तो सुनेगा सुनेगा नहीं, कभी सुना कभी नहीं कभी उसके काम में आ जाएगा है। तो उस समय जब कृष्ण उनके कालिया नाग के ऊपर जब नृत्य करने लगे, उसके मुख से जब खून निकालने लगे, तब वो विचार करने लगे, हाँ हमारी पत्नियां तो कही थी है ये कृष्ण भगवान है। तब वो मनी मन देखो भगवान के शरण में है, और उस समय ये कह रही है नाग पत्नियां कह रही है ऊपर से इस श्लोक पर है, कस्तानु देव अस्व देव विद में तबांग रेणु प्रसादीकार। हे भगवान कृष्ण, आपकी चरण कमल की रज जो है, जो लक्ष्मी देवी की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई, जो बेलवन में अभी तक तपस्या कर रही है, कस्तानु देव अस्व देव विद में तबांग रेणु प्रसादीकार है। आपकी जो दुर्लभ जो चरण रज जो है, वृंदावन कृष्ण के चरण रज सामान्य नहीं है, वृंदावन चंद्र कृष्ण के चरण रज जो है, रज समझ दुल जो है, और वो कहाँ पड़ा, कालिया के सिर पर, जो रज के जो लक्ष्मी देवी की प्राप्ति नहीं, आज तक भी वृंदावन में तपस्या कर रही है, और कालिया के सिर पर कैसे, वो जो दुष्ट था बदमाश था है। आश्चर्य की बात है कि नहीं, कसानु देव अस्व विद में तवांग रेणु प्रसादीकार श्री लणना चरुत्तप। ऐसे सुकमला लक्ष्मी देवी वृंदावन में तपस्या करे, उनकी भी प्राप्ति नहीं है, और हमारी ये पति दुष्ट जो है कलिया सारा वृंदावन क्या बोले जमुना के जल को क्या कर दिया, अपने विष के द्वारा दूषित करके रखे है, और आपने आप अपने चरण कमल को कैसे स्थापित कर दी। आश्चर्य इसलिए कह रहे कस्तानु देव अस्व विद में तबांग रेणु प्रसादीकार श्री लणना चरुत्तप विहाय कामन दुत सुचर रुचिवृत। कितना सुंदर श्लोक है, इसमें लिखा है कस्तानु अस्व देव विद महे तबांग रेणु प्रसादीकार जद वंश श्री लणना चरुत्तप है विहाय कामन सुचरम दितव्रता है। लक्ष्मी देवी ऐसे व्रत करके भी, कठोर तपस्या करके भी जो कृष्ण के चरण कमल प्राप्ति कर नहीं पाया, और हमारे पति ये दुष्ट कलिया है, और इनके सिर पर कैसे आप दे दिया चरण धूलि कैसे दी है। ये पति मर जाता तो अच्छा ही रहा था, जो भगवान की निंदा करने वाले
किंतु भगवान उसकी कृपा कर दे। कृपा किसने किया जानते हो? यही नाग पत्नी के साथ संबंध होने के नाते, पत्नी के साथ किसी प्रकार संबंध हो जाए है, भगवान उसकी कृपा कर देते है। संसार में देखा जाता है पुरुष लोग ज्यादा भजन नहीं करता है। कौन भजन करती है? अच्छा यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं देखो, गिनो कितने स्त्रियां बैठी हुई है और कितने पुरुष बैठे हुए। इसलिए कलयुग में लिखा गया, व्यासदेव के एक बार प्रश्न किया था है, या बताओ कलयुग में कौन अधिक भजन करेगी, स्त्री और पुरुष? कौन करेगी? स्त्रियां करेगी है। आज जहां पर कथा होती है हरी कथा हो कुछ भी हो, अधिक स्त्रियां करती रहती है। पुरुष लोग तो विचार करते रहते करें नहीं करें है? है? पेपर पढ़ते हैं पुरुष लोग, क्या करेगा पेपर, न्यूज पेपर पढ़ेगा, अमर उजाला पढ़ लेंगे है? हाँ वो न्यूज पढ़ेगा। आप सही बता रहे, अरे कम से कम तुलसी में जल चढ़ाओ है, ठाकुर निकट में मंदिर है, मंदिर में जा करो जाएंगे नहीं तुलसी के काढ़ा पी लेते? अरे नहीं वो अपराध बनता है, तुलसी के काढ़ा पी लेते चलो जैसी भी वो अज्ञानी है इसलिए वो करते, किंतु होना नहीं चाहिए है। तुलसी में तो जल तो देते हैं ना, आप सही बता रहे हो, जो तुलसी कहीं सूख न जाए इसलिए जल दे रहे, काढ़ा कैसे बने के कच्चा पत्ता को उबाल के ये भगवान नहीं भाई ऐसे है, तुलसी पत्ता के जो है गर्म पानी में कभी मत डालो। यहाँ तक भी हम लोग ठाकुर जी भोजन लगाते हैं ना, जो भोग लगाते हैं पहले देखते हैं वो ज्यादा गर्म है कि नहीं, यदि ज्यादा गर्म हो गर्म वस्त्र में तुलसी पत्ता डालना नहीं चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगाने की। दूसरी बात थोड़ी बात है, है? ये तुलसी पत्ता भगवान के प्रिय है, तुलसी महारानी का जो है पत्ता नहीं है ये सच्चा है। यदि कलयुग में भक्ति किसको अधिक होती है? स्त्रियों में देखो, जहां पर जाओ देखो है, अर्चन 80% स्त्रियां बैठी एक तरफ और 20% क्या बैठेगी पुरुष, वो भी कम है। यहाँ पर देखो कितने बैठे हैं, 4-5 बैठे हुए, 6-7-8-10 होगा सर जब है, और आप लोग 30 बैठे हुए, हाँ 4-5 सामने 4-5 है, 5 है और पीछे 5 है, 10 है और बाकी आप लोग 20 है कि क्या है, 30 है, 25 से कम नहीं है, गिन लो आप है। पुरुष लोग भजन नहीं करेंगे, वो काम में लग रहे है, इस शास्त्र में कहते उसके काम में लगाओ, बोले पैसा लेकर के आओ हम भक्ति में लगाते हैं, हाँ समझती है ठीक है, वो तो करेगी नहीं कुछ, कुछ करेगा नहीं, पुरुष लोग तो काम नहीं करे, एक भक्ति नहीं करे, कोई बात नहीं भक्ति मत करो है, काम करो और काम करके जो पैसा लेकर आओगे हम ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे तो उसके भी कल्याण हो जाएगा, अच्छा है कि नहीं? हाँ ठाकुर जी के भोग लगाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, क्या करें है? अरे भक्ति किसके पास जाता नहीं है, वो तो कर्म कांड में जो है, जो जैसे है करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आधे का आधा ही मिला
अरे ये कर्मकांड में कहा गया जैसे हाँ भक्ति भक्ति जो है वो निराला है। आप भोजन बोले तुम भोजन करो पतिदेव के भोजन हो जाएगा भक्ति दोनों के करनी चाहिए ना। हाँ हाँ दोनों लोग करते हैं। अच्छा हाँ हाँ ये आए क्या भक्ति करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ लेते और हाँ उसके बोलो कृष्ण के भजन करो राम के भजन करो। चलो हनुमान जी किसको नाम जप करते हैं राम नाम बोले तुम भी राम हनुमान के अनुगत राम नाम जप करो। अरे नहीं हनुमान चालीसा पढ़े हम माना नहीं कर रहे किंतु उसके बोलो तो भी कुछ समय जो राम नाम जप करो। हाँ ठीक है और है? करते हैं करो अच्छी बात है वो हनुमान जी की कृपा हो जाए ना सब हो जाए। हाँ हाँ है और वो व्रत करते हैं क्या बोले कड़वा चौल क्या बोलते हैं नहीं किया जाता है क्यों इनके होता है आपके होता ही नहीं है। अच्छा होता है करते है सब करते रहो भगवान के करने से सब कुछ। देखो कुछ व्रत करो और न करो सब क्या व्रत करो एकादशी व्रत करो है एकादशी व्रत करने से सब व्रत हो ही जाता है। आप करो और न करो कोई व्रत छूट जाए कोई बात नहीं है किंतु कभी एकादशी छूटना नहीं चाहिए समझे सर एकादशी को हाँ हाँ नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा ना सब ठीक हो रहा हाँ। अभी कृष्णदास कविराज छोड़ो मैं समय हो गया ना कृष्णदास कविराज जी कविदास गोस्वामी क्या करें दयनगर के कारें है ये उनके दैना हम दैना जो दैना जो मैंने सुनाया ह्यूमिलिटी दैना किसको होता है कृष्णदास के विराज कर है मोर नाम जय लय तार पुण्य क्षय मोर नाम जय सुने तार पाप होय हेम निर्घिन्न मरे केवा कृपा करे एक नित्यानंद बिनु जगत माझारी। कौन मुझे कृपा करे नित्यानंद देखो नित्यानंद स्मरण करके कर छोड़ गए है वृंदावन में आ गए और वृंदावन में जो है वही नित्यानंद की कृपा से स्वयं मदन मोहन है उनकी बोले आप कृष्ण एक चैतन्य महाप्रभु के लीला ग्रंथ रचना करें उसमें लिख रहे है कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने सुंदर ग्रंथ ले चैतन्य चैतामृत ग्रंथ जो है आज वो कस्तूरी मंजरी है चैतन्य चैतामृत आप पढ़ो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते घर में एक चैतन्य चैतामृत हिंदी में मिलता है आज गोड़ी मठ में ले आना है जब आप जाओगे ना वृंदावन है मुझे स्मरण कर दो आपके चैतन्य चैतन्यता दिला दो अच्छा रहे पढ़ो सब बहुत अच्छा ग्रंथ है हिंदी में लिखा है सब चैतन्य चैतन्यता में इतने सुंदर ग्रंथ है समझ में एवरीबडी रीड चैतन्य चैतन्यता है काल बताए ना महाप्रभु जितने कृपा करते हैं कृष्ण उतना कृपा नहीं करेंगे। ए, सुनो महाप्रभु जो कृष्ण जो कृपा करते हैं है, उससे दस गुना सौ गुना कृपा कौन करेंगे चैतन्य महाप्रभु है। इस कलियुग में महाप्रभु छोड़कर कोई प्रेम नहीं देंगे कुछ भी करते रहे है कलियुग में महाप्रभु कृपा करेंगे है ये भागवत में लिखा ही है। लोग अर्थ दूसरी अर्थ कर लेते हैं अपने अपने अर्थ लगा देते हैं
तक्ता सुदिष्ट सुरेशुद्ध राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वजसा जदगाढ़ अरण माया मृगम दैत सीतावध वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इस कलिजुग में कौन कृपा करेंगे? चैतन्य महाप्रभु। इस कलिजुग में हमारे आराध्य देव कौन है? सचिनंदन गौर हरि है। और देव इसलिए भागवत में कृष्ण वर्णन तिथा अकृष्ण संग पंग अस्त्र पार्षद जगई संकृति प्रारी जजंती ही सुमेधस। जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो महापुरुष की आराधना करेंगे। आज कृष्ण वर्णन तिशा अकृष्ण संग पंग अस्त्र पार्षदम जगई संकीर्तन प्रारी जजंती ही सुमेधस। कलिजुग में नाम यज्ञ का कौन सा यज्ञ? हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ सब नाम करना, हरि नाम करना है। हरि नाम करने सब कुछ हो ही जाता है। नाम की महिमा इतना दिखाए है। संग शिव जी नाम जप करते ही नहीं जप करते? शिव जी कौन सा नाम जपते हैं? ब्रह्मा जी नाम जप करते हैं। ब्रह्मा जपने चतुर्मुखे कृष्ण 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 ही, शिव जपने पंचमुखे राम 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 है। ब्रह्मा शिव नारद सभी भगवत नाम जप करते हैं। नाम जपा करते हैं। देखो विदेश से ये लोग आए ना, ये लोग नाम जप करते हैं कि नहीं करते है? ये लोग कोई चौथा क्या बोले क्या क्या व्रत बताएगा? कोरबा चक कोई नहीं करता है। शादी जो करते वो करते हैं। हाँ वो करते हैं विदेशी लोग। शादी क्या करते नहीं करते? अरे कोई कर भगवत कृष्ण के व्रत करने से एकादशी व्रत करने सब कुछ हो ही जाता है, विश्वास कर। अरे कृष्ण के नाम द्रौपदी के नाम कृष्ण नहीं है क्या? बोला काल बोला था कृष्णा है। द्रौपदी के नाम क्या बोलते हैं? कृष्णा नॉट कृष्ण है। आकार आ जाता है, आखिर मात्रा लगा देने से कृष्णा हो जाते हैं। वो द्रौपदी के नाम हो गया कृष्णा और कृष्ण। हाँ कृष्ण कहना है। हाँ कृष्णा नहीं, और कृष्णा भी कहे वो द्रौपदी के नाम। राधा जी की नाम भी कृष्णा है। मूल जो है नाम जो है राधा जी के नाम भी कृष्णा है। है जैसे हम कहते हैं ना सैम, कृष्ण के नाम एक क्या नाम है? श्याम कहते कि नहीं कहते है? और राधा जी के नाम क्या है? श्यामा है, राधे श्याम श्यामा श्याम है। ब्रज जन मन सुख कारी राधे क्या बोलते हैं? श्याम श्यामा श्याम, श्याम और श्यामा। हाँ सर है? अरे दोष को आज भावग्रही भगवान आपकी भाव को ग्रहण कर लेते हैं। जब आप कृष्ण बोल रहे हो कृष्ण के स्मरण कर रहे हो कि द्रौपदी के मरण स्मरण करो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। द्रौपदी के स्मरण करो आपके दारिक में पहुंचा दिया जाएगा। हस्तिनापुर में पहुंचा देंगे है? कहां पहुंचा देंगे? हस्तिनापुर में पहुंचाओगे है? नहीं भगवान को राधा जी के स्मरण। राधा जी के एक नाम है क्या? कृष्ण। किंतु हम जो जप करते हैं हरे कृष्ण, हरे मैंने श्रीमती राधिका, कृष्ण मैंने कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माने राधे कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, कितना सुंदर है। इसलिए ये सब करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इसलिए नाम जप करो है। और अब तो हो गया, क्या टाइम हो गया तुम्हारा है। Which service? What is your service? Your service. But you know your service, then understand customer service. No, your service is automatically. क्या चीज? ये कह रही है गुरुदेव, मैं 25-26 साल से नवरात्रि रहती हूँ। हाँ। अरे भागवत पढ़ के और कुछ करना ही नहीं है। क्या करोगी? अरे नवरात्रि करने की जरूरत नहीं, जब कृष्ण के हो गया सब हो गया आपका। हाँ सब हो गया, वो भी माता जी है। नवरात्रि रखती है, सब हो गया है। हाँ, सबके उद्यापन कर सकते, एकादशी के उद्यापन करना नहीं चाहिए। क्या बताया? एकादशी की उद्यापन करना नहीं चाहिए है। हाँ, एकादशी का उद्यापन कर दिया? नहीं नहीं, एकादशी की उद्यापन क्या करते हो, कैसे करते हो आप, सुना मुझे। हाँ, वो ब्राह्मण के दान कर दो, जिसको चाहिए दान कर दो। हाँ, किंतु एकादशी उद्यापन नहीं होती है। हाँ, एकादशी जो है साक्षात है भगवत स्वरूप, एकादशी को त्याग देना नहीं चाहिए। भैया ने बताए, हाँ बड़ा बेटा ने बताया, हाँ उद्यापन नहीं होता है, तुमको पहले करते। हाँ हाँ, ठीक कर रहे। अरे सब ठीक कर रहे हो आप, भागवत हो गया सब ठीक हो रहा है ना। हाँ, सब ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है सब। केवल हरि नाम करो, नाम करो बस, सब पार हो गया। हाँ समझे नहीं। हाँ हाँ, अरे नवरात्रि रखने की जरूरत नहीं है। अरे वही तो बोल दिया कर, रखने की जरूरत, एकमात्र कृष्ण के व्रत रखो बस, और किसी के व्रत रखना नहीं। राधा जी के व्रत रखो और कृष्ण के व्रत रखो, और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जो आविर्भाव तिथि है मानना, गौर क्या बोले, गौर पूर्णिमा को मानना, ठीक है ना। और ज्यादा और एकादशी करना। क्या संशय है? कोई संशय मत रखो है, एक भगवत भजन करो बस, कुछ नहीं, सब उसमें सब कुछ हो जाए है। हाँ, हर रोज तुलसी तुलसी पौधे में पानी डालना है, देते कि नहीं देते? हाँ हाँ, हैं हर रोज देना। हाँ, हर रोज देना है। हाँ, हर रोज तुलसी में पानी डालना, हर गले में तुलसी रखना है, गले में तुलसी रखो और हर रोज तुलसी में जल दो, पानी डालो है। विदेशियों के बोलती सहज में हम समझा देते हैं, किंतु इंडिया के समझाना बहुत कठिन होता है। वो जो कर रहे वो कर ही, हजारों समझाओ है। ये लोग जानते नहीं ना, इसलिए
ये लोग भी जान लिया तो वही भी वो भी करवा चौथ बात करना शुरू कर दे। जैसे ये बता रही नहीं है, ये भी बता रही है, बोले हम करवा चौथ क्या चौक करवा चौथ हम लोग इसलिए नहीं करते, बोले हमें पता ही नहीं है, है? करना नहीं है, सब सब एक ही करो, भगवान की सेवा करो, एक के करने से सब हो जाता है। दस नाव एक, दो नाव में पैर रख करके आप नदी पार हो पाओगे है? नहीं हो पाओगे, एकमात्र गोविंद का आश्रय करो। जो कुछ भी बोले किसी की बात मत सुनो, सबके कथा सुनो और इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। समझ में आज के नहीं, सबके सुनना चाहिए। अच्छा ठीक है हाँ हाँ हाँ, जो करना है और करो, एक ही करो क्या एकादशी करो बस है सब हो जाए। इसलिए माताएं के शरीर ज्यादा खराब हो जाता है, शरीर ज्यादा कम कमजोरी हो जाता है ना, क्योंकि ज्यादा उपवास करते 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 है कि नहीं है। आज मंगलवार है या शनिवार है, रोपवार है, रविवार है, सोमवार, हर रोज व्रत रखते रखते से है, और कितना आ जाता है, कितने व्रत हो जाते, इसलिए माताएं जो कमजोरी हो जाता है, इसलिए शास्त्र में कहता नहीं ज्यादा नहीं करो, केवल महीने में दो व्रत रखना। एक ठीक है, अच्छा है, नहीं एक के मानो भाई, एक कृष्ण के मानो, भगवान को राम को मानो कि कृष्ण को मानो, ठीक है, है एक के मानो, एक के पूजा करो, देखो वही सब कुछ दे देंगे, है और अनेकों देवदेव के पूजा करो सब बिगड़ जाएंगे। एक के पानी चढ़ा दूसरे नहीं पानी चढ़ा, काली के पानी चढ़ा शिव के पानी चढ़ा और बिगड़ जाएंगे। शिव जी वैष्णव है, हम कहते हैं शिव जी में भी पानी चढ़ाओ, कैसे शिव जी को क्या मानो, सदाशिव मान करके पानी चढ़ाओ है, अथवा गोपेश्वर महादेव जान करके पानी चढ़ाओ है, शिव जी महा वैष्णव है, शास्त्र में लिखा वैष्णवानां यथा शंभु, जितने वैष्णव है हमारे शिव जी परम वैष्णव है, शिव जी के कभी निंदा करना नहीं चाहिए। इसलिए संग रामायण में क्या लिखा, राम द्रोही ए शिव द्रोही कभी मम प्रिय न भाव, जो शिव जी के दोह करने वाले निंदा करने वाले वो मेरा कोई प्रिय नहीं होगा। इसलिए शिव जी के जहाँ पर शिव जी देखोगे ना, शिव जी के भी सम्मान करो, उनके शिव जी प्रसन्न किस में होता है, उसको जल दे दो, पानी दे डालो, शिव जी प्रसन्न हो जाता है। कौन सा पानी, गंगा जल है तो मिल जाए, यदि गंगा जल नहीं हो तो ऐसे साधारण जल दे करके मंत्र दो, वृंदावना बनीपते सोम सोम मूली, इस मंत्र देकर आप जब पानी डाल दो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, है बेलपत्ता चढ़ा दो शिव जी प्रसन्न हो जाता है, है? शिव जी प्रसन्न हो जाए। ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमीव बंधन मृत्युर्मोक्षम अमृताम, है साल में एक बार शिव व्रत करना, शिवरात्रि व्रत करना, कौन सा शिवरात्रि, और बाकी करने की जरूरत नहीं है, नहीं हर सोमवार को शिव व्रत करते रहते, एक व्रत रखना शिवरात्रि के लिए, है हाँ में और एकादशी करना, शिव जी महावैष्णव है हमारा, है आज जन्माष्टमी रामनवमी पालन करो ये अच्छा रहता है, जितने विष्णु तत्व, क्योंकि हम शिव जी सदाशिव विष्णु तत्व है, यदि आपके समझ में नहीं आए किंतु याद रखना है, शिव जी महाभागवत है हमारे, वैष्णव है,
शिव जी के कृपा से ही कृष्ण भक्ति हो जाए, शिव जी के कृपा से राम भक्ति हो जाए, किंतु वही तो राम नाम जप करते हैं, हाँ समझिए, इसलिए शिव जी विश्वास करके होनी चाहिए है। शिव जी के महिमा इतने है। एक बार कैलाश में शिव जी बैठे हुए थे, ध्यान में मस्त रहे थे, चिंतन कर रहे, नाम चिंतन कर रहे और बैठे, इतने समय देवी पार्वती कहने लगे, महा पतिदेव आप क्यों हंस रहे हैं? ध्यान करते करते उनके मुंह से उनके क्या हो गया, हंसी आ गई, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो उस समय देवी पार्वती पूछने लगे, जी पतिदेव आप क्यों हंस रहे हैं? तो उस समय शिव जी कह रहे हैं, हे देवी पार्वती देखो, मेरा इष्ट देव भगवान रामचंद्र जो है दंड कारण में एक सुंदर लीला चल रहा है उनका, मैं वो लीला में सच्चा में दर्शन कर रहा हूँ, और दर्शन करके मेरे मन में इतना आनंद हो रहा है, इसलिए मेरा मैं मुस्कुरा रहा हूँ, बोले वो लीला हमें सुनाओ। तब शिव जी बोले, देखो राक्षस राज रावण है और उनके पत्नी सीता देवी के हरण करके लेकर चले है, और भगवान रामचंद्र साधारण एक कामी पुरुष के मत हासीते हासीते करके रो रहे हैं। कभी कमल के कमल को देख करके सीता देवी के कमल मुख समझ करके वो चुम्बन कर रही है, किसको चुम्बन करे, कमल के जो है, कभी इधर घूम रहे हैं हासीते हासीते करके घूमती। मैं यही लीला को मैं दर्शन कर, स्वयं भगवान रामचंद्र ये लीला आदि कर रहे, कितना सुंदर मधुर। देवी पार्वती बोले, कैसे वो भगवान राम कैसे हो गए? अरे हम लोग देव देवियां हैं, हमें भी पता है ये रावण कहाँ पर है, सीता देवी कहाँ, सीता देवी कहाँ छुपा करके रखे, हम चाहे तो सीता देवी के हम भी ले सक लेकर के आते हैं। और यदि तुम्हारे प्रभु राम यदि भगवान हो तो रो रहे क्यों? तब शिव जी बोले, देखो ये प्रभु के लीला है भैया, तुम चिंता मत करो। किंतु उनके मन में शंका हो गया, ये रामचंद्र सिंह भगवान है कि नहीं है, यदि भगवान होते ऐसे रो रहे क्यों, भगवान को भी रोता है, और रामचंद्र हासीते हासीते करके रो रहे हैं, इधर घूम रहे उधर। शिव जी बोले, अरे देखो शंका मत करो, ये प्रभु के लीला है ये। किंतु देखो मन मन विचार करने लगे, ये मैं भी देखते हूँ वो ये भगवान राम है, राम भगवान है कि नहीं। तो उस समय देवी पार्वती ने किया कि न सीता जी के रूप धारण कर ली, और जहां पर भगवान रामचंद्र हासीते हासीते करके रो रहे दौड़ रहे उसके सामने जाकर के खड़ी हो जाती है, कौन? पार्वती देवी है। दो बात, रामचंद्र उनके तरफ देखते नहीं है ना, उनका आलिंगन करते ना कुछ करते, घूम जाते हैं फिर है। फिर बार बार देवी पार्वती रामचंद्र के निकट में आ जाते हैं। तब उस समय रामचंद्र कहने लगे, हे देवी पार्वती आप यहाँ पर क्यों आए हो? आपके लिए जो है महादेव आपके लिए कैलाश में इंतजार कर रहे हैं, आप लौट करके जाएं। तब देवी पार्वती के लज्जा आई, अरे ये तो संग भगवान हमें तो जान लिया है, तो वहां से लौट करके आए है। जब शिव जी पूछने लगे, देवी पार्वती तुमने रामचंद्र ने परीक्षा किया कि नहीं किया, ये भगवान है जो तुम्हारे मन में संशय, परीक्षा किया कि नहीं किया? उन्होंने झूठ बोल दिया, बोले नहीं। देखो गुरु के सामने कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए है, कभी गुरु के सामने झूठ बोलना नहीं चाहिए। शिव जी गुरु तत्व है कि नहीं है? शिव जी हमारे गुरु तत्व है, वैष्णव तत्व है, गुरु तत्व है, झूठ बोलना नहीं चाहिए है। किंतु उन्होंने झूठ बोल दिया, बोले नहीं नहीं मैंने परीक्षा नहीं किया है। बोले अच्छा, शिव जी भी कम नहीं है, शिव जी भी ध्यान लगाया, देखा क्या वही लीला को दर्शन किया जैसे देवी पार्वती सीता जी के रूप धारण करके भगवान रामचंद्र की परीक्षा ली है। तो उस समय शिव जी के मन में बहुत दुख हुआ। शास्त्र में लिखा गया गुरु और भगवान के प्रति संशय करते हैं, डाउट करते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, उनकी विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अरे पर ब्रह्म भगवान राम
और इनको सोचे सोचने लगे साधारण मनुष्य है, कामी पुरुष है। और दूसरी बात, मेरे आराध्य देवी सीता देवी का रूप धारण किया, इसलिए शिव जी मनी मन चिंतन करने लगे, आज से तुमको मैं पत्नी के स्थान नहीं दूंगी, नहीं दूंगा। पति देव, पत्नी कहाँ बैठती है? आप जहाँ पर बैठते हो पति कहाँ पर बैठते हैं? आपके कौन से स्थान पर आप जो बैठते हो ना, विवाह के समय विवाह किया कि नहीं किया है? विवाह किया ना, विवाह के समय आप पति के कौन सा दिशा में बैठे? बाएं की तरफ बैठे ना, बाएं की तरफ बैठते। क्यों बाएं की तरफ बैठे आप बताओ? विवाह के पहले बैठा जाता है, दाएं तरफ बैठा जाता है? मैंने कितने शादी करा दिया आगे, पहले कहाँ बैठते हैं? दाएं तरफ बैठे देते हैं। जब माला दे करके जब विवाह मंत्र हो जाता है तो उसको कहाँ पर बैठा देते हैं? बाएं तरफ बैठा देते हैं। बाएं तरफ इसलिए बैठते हैं, आज दोनों तुम्हारे सबके ये तुम्हें तुम्हारे सेवा में सहायता करेंगे है। आज समझे, हाथ में हाथ लगाएंगे, आज समझ है। इसलिए तो शादी होता है, नहीं तो बर्बादी हो जाता है। एक शादी होता है और एक बर्बादी हो जाता है, समझ में आता है? शादी इसलिए करते हैं, पति देव जो सेवा करेगी व करेंगे हम उसके सहायता करेंगे, ऐसे ऐसे इसलिए तो लोग शादी करते हैं है? तो किंतु ये देखा हमारे आराध्य देवी सीता देवी के रूप धारण कर ले, तो इसके मैं कैसे, मैं अपने बाएं तरफ कैसे बैठा हूं? हाँ यहाँ पर बैठ जाओ, वहीं पर कम लो। स्वयं शिव जी बोले ये मेरे आराध्य देवी सीता, और सीता के रूप धारण कर लिया, तो इनको मैं कैसे, इनको अपने बाएं की तरफ कैसे बैठा हूं? इसलिए शिव जी कहने लगे आज से तुमको, तुम मेरा सामने बैठो, उनके बाएं तरफ नहीं बैठा गया। मनी मन मानो उनको त्यागी दे दिया। जो हमारे दो कारण है, एक कारण बता रहा जो भगवान के प्रति संध्या करते हैं, संध्या आत्मा विनश्यति, उनके सारी भक्ति नष्ट हो जाए है। और दूसरी झूठ बोल दिया, झूठ बोला कि नहीं बोला है? ये जो शास्त्र में कहता है देखो तीन व्यक्ति के पास कभी झूठ मत बोला करो, एक गुरु के सामने और एक डॉक्टर के सामने है, अरे भगवान के सामने झूठ मत बोलो, सच बोलो है कि नहीं? गुरु के सामने कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, सच बोलो है? समझ में आ रही कि नहीं? गुरु के बोल दो, सारे खोल करके बोलो, हृदय को ओपन कर दो है, गुरुदेव मेरा अपराध जैसे आप बता रहे हो, ये गुरु के सामने कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। किंतु देखो शिव जी के सामने झूठ बोला कि नहीं बोला? शिव जी केवल पति नहीं है, गुरु तत्व भी है। शिव जी केवल पति भी नहीं है उनका, उनके भी गुरु भी है, झूठ बोल दिया। ऐसे कह दिया चलो मनी मन, इसलिए सती देहत्या की भी जो कुछ भी शास्त्र बताया यहाँ से प्रारंभ हो गया है। मूल कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हो गया, झूठ बोल दिया ना। इसलिए शिव जी उनको मनी मन त्याग दे दिया, जाओ तुम्हारे साथ हमारे कोई संबंध नहीं है। एक तो तुमने झूठ बोली और दूसरी हमारे आराध्य देवी सीता देवी के रूप तुमने धारण कर लिया हाँ? तो तुमको मैं, तुम यदि सीता ही बन गया तो तुमको मैं तुम्हें पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूं है? देखो, और सीता क्या बोले, पार्वती भी समझ गई है, हाँ समझ गई ये पति देव तो मुझे त्याग दिया, हम क्या करें? इसलिए और आगे जो कुछ भी आ गया ना श्रीमद् भागवत में, सती सती के देह त्याग इसी कारण से हो गया, यहां से सूत्रपात हो गया है। और देखो अंत में सती देह त्याग की भी कहा, सारी कथा यहाँ पर है, सोर्स है, सोर्स ऑफ द ऑरिजिनल गिव ऑफ द बॉडी ऑफ सती, सती के देह त्याग की यही सूत्रवाद हुआ। सूत्रवाद माने सोर्स, कहाँ से उत्सव हुआ? यहीं से शुरू हुआ है। बाकी जो है वो क्या बोले, और सती के जो है दक्ष प्रजापति की जो दक्ष की जो कथा जो है वो आगे जाकर के बढ़ते रहे। क्या छेद तो एक जगह थोड़ी सी सुई के छेद हो जाता है और वही क्या करता है धीरे 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 बड़ा हो जाता है, अपराध थोड़ी छोटी सी हो जाता है और वो अपराध बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर लेता है, भक्ति देवी नष्ट हो जाती है। यही तो देव बताते जा रहे हैं।
इसलिए झूठ मत बोलो है समझे। हाँ झूठ कहाँ बोलना है, एक जगह में झूठ बोलने की शास्त्र भी दे दिया, अनुमति दे दिया, सब जगह में नहीं है, कहाँ पर बोलो। मत निमित्तं कृतं पापं धर्मं परिकल्पते और मत तत्वा धर्मं अधर्म परिकल्पते। मत निमित्तं कृतं, भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई थोड़ा झूठ भी पाप भी कर दिया है वो पाप पुण्य ये पाप नष्ट हो जाता है, उसके भी धर्म कहा जाता है। और मुझे छोड़ करके सच भी कुछ भी करे वो क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। जैसे महाभारत युद्ध में दिखा है, स्वयं भगवान युधिष्ठिर के बोले हे युधिष्ठिर तुम बोलो अश्वत्थामा रणे हत, अश्वत्थामा युद्ध में मर गया। युधिष्ठिर महाराज बोले मैं तो देख रहा हूँ अश्वत्थामा वहां पर खड़े हुए दूर दिखाई पड़ रहे, अश्वत्थामा है ना, द्रोणाचार्य जी के पुत्र के नाम अश्वत्थामा, अश्वत्थामा रणे हत। युधिष्ठिर बोले हम कैसे बोल दूं, सत्यवादी थे ना, तब वो माने ही नहीं, अरे मर गया तो बोलो तो मैं ही बोल रहा हूँ अश्वत्थामा रणे हत, वो मना नहीं चाहते। तो अब सब उस समय भगवान कृष्ण भीम के बोले, एक हाथी आ रहा था, वो हाथी को हाथी के नाम ही अश्वत्थामा भी था, भीम के बोले इस अश्वत्थामा के मार दो, माने हाथी के मार दो। तो भीम ने गदा के द्वारा हाथी को मार दिया, बोले अभी तो बोलो। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज कहने लगे अश्वत्थामा रणे हत नरवा कुंजर, नर माने मनुष्य अथवा कुंजर, और नर कहानी के साथ ही साथ नर कहानी कहते कुंजर बोला ही नहीं, बोले जब बोले कि जब उस समय भगवान ने शंख बजा दी और द्रोणाचार्य जी सुनाई नहीं पड़ा, द्रोणाचार्य जी इतना ही सुन लिया अश्वत्थामा रणे हत इति नर ये कह दिया। और उस समय द्रोणाचार्य जो सारे धनुष तीर धनुष रख करके मूर्छित हो गए, मेरा बेटा कैसे मर गया, जब युधिष्ठिर महाराज बोले सत्य, युधिष्ठिर महाराज एकमात्र सच बोलते थे, ये कैसे मर गए, क्योंकि अश्वत्थामा के प्रति ये वर था चार युग तो वो जीवित रहेंगे, कितने युग, चार युग, अभी तक भी अश्वत्थामा जीवित है, तो मेरे बेटा कैसे मर रहा, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे हो सकता है मर गए। उस समय द्रोणाचार्य ने तीर धनुष रख दिया और उस समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न आकर के उनको गला काट दी, नहीं तो द्रोणाचार्य की युद्ध में पराजित करना किसी संभव नहीं, अर्जुन के भी संभव नहीं था, इसलिए भगवान ऐसे लीला कर दी। अभी देखो युधिष्ठिर महाराज के क्या हो गया, झूठ बोला ना, भगवान कह रहे हैं वो मना नहीं चाहते, इसलिए भगवान के आदेश को क्या कर दिया, अमान्य कर दिया, इसलिए उनके पाप हो गए। इसलिए शास्त्र में लिखा है ये युधिष्ठिर महाराज के भी कुछ समय के लिए नरक दर्शन करना पड़ा, ऐसे महाभारत में लिखा है कि भगवान के आदेश नहीं पालन किया, इसलिए कहता है अश्वत्थामा भगवान के लिए यदि कोई झूठ भी बोले उसमें दोष नहीं लगता, इसलिए कहता है मत निमित्तं कृतं पापं धर्मया परिकल्पते। भगवान के लिए यदि कहीं कर शुद्ध भगवान के लिए कहीं कोई हो जाए, करना नहीं चाहिए, कोई विशेष क्षेत्र में एंड स्पेशल कोई रीजन हो झूठ बोल तो उसमें दोष नहीं लगता है, वो भगवान के लिए होनी चाहिए है? आपने मैं आपके नहीं कह रहा हूँ पतिदेव के जेब से आप पैसा उठाओ, यदि पतिदेव कंजूस है पैसा देना नहीं चाहते, उसके जेब से 10 रुपया उठाया ठाकुर जी के सेवा में लगा दी, पतिदेव की कल्याण हो गया, बोलो वृंदावन। पतिदेव कहने लगे अरे तुमने चोरी क्यों किया, बोले चोरी नहीं है तुम्हारे कल्याण हो गया है, ये नहीं कह रहा हूँ पतिदेव के जेब से आप पैसा उठाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यदि कोई विशेष स्थिति में हो है भगवत सेवा के लिए यदि आप कोई ऐसे कोई चोरी करना पाप है कि नहीं है, किंतु देखो भगवत सेवा में कहीं लग गया तो अच्छा ही है, कल्याण होगी कि नहीं कल्याण, ये नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं शिक्षा दे रू, मत बोलो पतिदेव हमारे ऊपर बिगड़ जाएंगे, बोले तुम्हारे गुरुदेव ऐसे शिक्षा दिया हमारे जेब से चोरी करने के लिए तो घर में लड़ाई हो गई कि नहीं लोगे,
कोई विशेष स्थिति में ठाकुर जी के सेवा के लिए कहीं आपने दो पैसा जी भगवान के सेवा में लगा दिया है, वो अच्छा अच्छा ये कल्याण कल्याण हो गया है, समझे है। अच्छा एक देखो, गोहत्या करना पाप है कि नहीं है? कोई एक व्यक्ति बोले मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, एक कसाई जो कसाई समझते हो जो गाय को मारने वाले काटने वाले, जो कसाई जो है एक गाय के पीछे दौड़ रहे थे उसको पकड़ करके मारने के लिए, और ठीक आपके गली होते हुए वो गाय जा रही थी दूर के भाई से, वो कसाई आकर के बोले हमारे गाय को आपने देखा रास्ते से जाते हुए? आपने बोला नहीं नहीं इस रास्ते पे गाय आई नहीं, हाँ उस तरफ हो सकते उस तरफ चले, इस तरफ तो कोई है ही नहीं कुछ, तो कसाई क्या उस तरफ चले गए गाय बच गया। आपने झूठ बोला कि नहीं बोला? किंतु देखो किसी के प्राण को रक्षा करने के लिए आप झूठ बोला, वो आपको क्या हो गया है, पुण्य हो गया। गोहत्ता गो गाय से गाय को रक्षा करने के लिए आप झूठ बोला कि नहीं बोला है, किंतु वो झूठ क्या हो गया है, पुण्य के काम हो गया, किसी को प्राण रक्षा के लिए। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है कौन कौन स्थान पर झूठ बोलने पर पाप नहीं होता है। विवाहे नर्म परिहासे है, विवाह के समय कुछ लोग झूठ बोल देते हैं उसमें दोष नहीं लगता है आज मैंने तो शादी नहीं होगी तुम्हारे क्या करें नर्म परिहासे हास परिहास करते हैं कभी झूठ बोल दे उसमें भी हास परिहास में झूठ बोलने भी लगता है। प्राण रक्षा कल पे प्राण रक्षा के समय जैसे विपद आ गया है झूठ भी बोले उसमें दोष नहीं लगता है। ऐसे कहीं कहीं झूठ बोलना है कहीं झूठ नहीं बोलना है उसमें शास्त्र बोले, ये नहीं हर समय झूठ बोलते रहे है? कहीं झूठ बोलना है कहीं झूठ बोलना नहीं है ये शास्त्र में लिखा गया है, है? हाँ अभी टाइम तो हो गया 10 बज गया प्रसाद लो सब है। उसमें मैदा लगा रहा था राम मंदिर प्रसाद।